A truck and a car are moving with same kinetic energy on a straight road. ठीक है, kinetic energy same है. Their energy is simultaneously switched off. Which one will stop at a lesser distance? तो ट्रक एंड अ कार आर मूविंग विद सेम काइनेटिक एनर्जी. तो ट्रक बड़ी गाड़ी है, भारी भारी गाड़ी है ना. और कार जो है वो छोटी गाड़ी है इन कंपैरिजन टू ट्रक. इसका मास M1 ज़्यादा है, इसका मास M2 कम है. तो हम कह सकते हैं M1 इज ग्रेटर देन M2. तो जब दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम रखी थी, यानी कि दोनों की हाफ M1 V1 स्क्वायर और इसका हाफ M2 V2 स्क्वायर, ये दोनों का सेम है. तो काइनेटिक एनर्जी सेम हो गई, हाफ एम वन वी वन स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ एम टू वी टू स्क्वायर, हाफ ऑफ कैंसिल. और हम देख सकते हैं कि वी वन बाई वी टू विल बी इक्वल्स टू एम टू बाई एम वन का स्क्वायर रूट. देख, तो इन्वर्स रिलेशन और स्क्वायर रूट का इन्वर्स रिलेशन है, यानी कि जो भारी बॉडी होगी उसकी वेलोसिटी कम रही होगी और जो हल्की बॉडी रही होगी उसकी वेलोसिटी ज़्यादा रही होगी. दोनों को एक साथ इंजन ऑफ किया, कौन पहले रुक जाएगी. देखिए, इस बात से कोई डिपेंड नहीं कर इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि किसकी इनिशियल वेलोसिटी किसकी कम है. अगर कोई सोच रहा है कि मान लीजिए ट्रक की इनिशियल, क्योंकि ट्रक की वेलोसिटी कम निकल के आई है ना, अगर आप ये सोच रहे हैं कि ट्रक की वेलोसिटी कम है तो वो जल्दी रुक जाएगी, ये कहना गलत होगा. अगर आप सोच रहे हैं कि इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है और ये देर में जाकर रुकेगी, ये कहना गलत होगा. तो आप इस बेसिस पर आंसर नहीं निकाल सकते. आप किस बेसिस पर निकालेंगे? आप इस बेसिस पर निकालेंगे कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होता है वो होता है म्यू टाइम्स आर, दैट इज म्यू एम जी. ओके, और फ्रिक्शन फोर्स सेम काइनेटिक एनर्जी दोनों की थी. जैसे ही आपने बंद किया तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन दी ट्रक विल बी मोर, वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन ट्रक विल बी मोर, ऑन ट्रक विल बी मोर, देयरफॉर लार्जर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी टेक्स प्लेस ऑन ट्रक, क्योंकि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन ब्रिंग्स अ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज मोर ऑन ट्रक, क्योंकि वर्क डन डिपेंड करता है म्यू आर पे, और आर ट्रक का ज्यादा है, कार का कम है. दोनों की सेम काइनेटिक एनर्जी, तो दोनों में से जब सेम काइनेटिक एनर्जी है और वर्क डन बाय फ्रिक्शन ज्यादा ट्रक पे लग रहा है तो ट्रक पहले रुकेगा ना. सो ये लिखा है पे, वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन ट्रक विल बी मोर, लादर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी टेक्स प्लेस ऑन ट्रक, देयरफॉर ट्रक स्टॉप्स अर्लियर, ट्रक स्टॉप्स अर्लियर या एट लेसर डिस्टेंस, या कहिए स्टॉप्स एट लेसर डिस्टेंस. सारा खेल इसमें फ्रिक्शन का था. ठीक है,